धर्म नगरी कुरुक्षेत्र वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन इन दिनों इसकी रौनक कुछ अलग ही लग रही है। मौका है 10 दिन तक चलने वाले शिल्प मेले का। जी हाँ, कुरुक्षेत्र के कलाकृति केंद्र में बुधवार शाम से 10 दिवसीय शिल्प मेले की शुरुआत हो गई। इसमें देश भर के शिल्पकार अपने हुनर को दिखा रहे हैं। मेले के पहले दिन हरियाणवी कलाकारों ने अपनी डांस परफॉर्मेंस से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों और बंजारी की थाप पर किस तरह से हरियाणवी कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अपने प्रदर्शन से उन्होंने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इनमें देश विदेशों में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले लोक कलाकार महावीर गुड्डी भी शामिल थे। इस शिल्प मेले में अलग अलग राज्यों के शिल्पकार न केवल अपने शिल्प का हुनर दिखा रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने लुप्त हो रही शिल्प कला को बचा कर रखा है। देखिए, ये गांधी शिल्प मेला जो लगा है, ये लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ा मेला, थोड़ा लाइट फोड़ते, गांधी शिल्प मेला जो लगा है, ये लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ा मेला लगा है। और आप जैसे घूम रहे हैं, देश के लगभग कोनों से हैंडीक्राफ्ट्स आए हैं जो मैक्सिमम चीज़ें अपने हाथ से बनाते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं। और आज पहला दिन है, नहीं तो यहाँ पर गहने के जलेब लगेंगे, खाने पीने की चीज़ें ओरिजिनल जो हमारी ट्रेडिशनल हैं, ट्रेडिशनल रहेगा। और ये भी चीज़ें जो ना पुरानी हमारी ट्रेडिशनल हैं, और ये बंचारी वाले आए हैं, सपेरे वाले आए हैं, और मैं तो धन्यवादी हूँ। मैंने पूरा जो ना भागवत पुराण पढ़ा, शिव पुराण पढ़ा, कुरम पुराण पढ़ा, बरा पुराण पढ़ा, रामचरित मानस पढ़ा, और एक भक्ति और शक्ति के प्रति कला को भी जिंदा रखा लगे। और उसके दौरान मैंने चार कष्टें की, चार कष्टें की। हरियाणा पुलिस के शेर और है सत सत है परिणाम तुम्हें, एक पुलिस के लिए किया, अध्यापकों के ऊपर किया। देखो सभी, अभी तो बच्चे भी पढ़ भी रहे हैं, कुछ इसको सीख भी रहे हैं, हम जिंदा ही करना चाह रहे हैं। जितना भी हमारा से बना रहा है ऐसा तो कर ही रहे हैं। देखो साहब, हमने बीन तो गोहे के अंदर में भी बजाई, बम्बई में भी बजाई, बांद्रा नाटकशाला में भी, सभी जगह बीन बजाते हैं। जहाँ पर भी हमको सरकार बुलाती है जाते हैं, वहाँ पर भी अपना शो दिखाते हैं। कोविड-19 जो पिछले एक साल से हमारे देश के अंदर फैला हुआ, देश में क्या पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, इसके अंतर्गत एक हमारे पास भारत सरकार से एक ऑफर आया कि शिल्प कला मेला लगाया जाए, जिसके अंदर तकरीबन 7 प्रांतों के शिल्पकार आएं और अपने हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनका प्रदर्शन करें, और जो हमारे इसके अंदर दर्शक हैं या जो देखने वाले हैं या हमारे कुरुक्षेत्र के यहाँ आसपास के लोग हैं, वो भी ऐसे शिल्प कलाओं को खरीदने या अपने घर के अंदर करें, जो शिल्प कलाएँ आजकल मिलती नहीं हैं हरियाणा के अंदर। ये पहला कार्यक्रम मेरे को लगता है कि कोविड-19 के अंदर ये पहला कार्यक्रम हुआ है। ये शिल्प मेला इसलिए भी खास है क्योंकि कुरुक्षेत्र में पहली बार इस मेले का आयोजन हुआ है। पहले ये चंडीगढ़ में आयोजित हुआ करता था, लेकिन अब ये कुरुक्षेत्र में ही आयोजित हुआ करेगा। दूसरी बात यह है कि कोरोना की वजह से पिछले एक साल से कलाकृति केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ करता था, लेकिन शिल्प मेले और हरियाणवी कलाकारों के प्रदर्शन ने इस सन्नाटे को तोड़ दिया है। ऐसा मालूम हो रहा है कि 27 तारीख तक चलने वाला शिल्प मेला मेला न होकर शिल्प कला के साधकों का कुंभ है। पंजाब के सिटी वी चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।